सम्मार्जनोपरेपाभ्याम् सेकमण्डलवर्तनैः गृहशुश्रूषणम् मह्यम् दासवद्यदमायया। कहते हैं कि वे किस प्रकार से मंदिर आज में सेवा करनी है, पूरा मंदिर कर्मणि कहा था ना। तो सम्मार्जन उपलेपाभ्याम, झाड़ू मारना, पोछा लगाना, गोबर से लीपना, सेक मंडल वर्तन ही। सेक मने सेक तैरे व प्रोक्षणम, प्रोक्षणादि करना, गोमयादियों के द्वारा प्रोक्षणादि कर देना, मंडल वर्तन सर्वतो भद्रादि मंडलों का निर्माण कर देना, और अथवा जो आजकल होते हैं ना रंगोली, रंगोली से अलंकृत कर दो। वर्तन ही इत्यादियों का वर्तन, मंडल वर्तन मने ये मंडल वर्तन एक शब्द है, इत्यादि के द्वारा गृह शुश्रूषणम वह्यम दासवद्य दमायया। इस वह्यम गृह शुश्रूषणम, मह्यम ने ममा, इस प्रकार से मेरा जो घर है मंदिर है उसका सेवा करता हुआ रहना चाहिए दास के समान। वो भी दास भाव से कैसे करना है, किसी भी प्रकार का स्वार्थ को त्याग करके, अमायया छल कपट झूठ आदि को त्याग करके विशुद्ध जो है दास के समान जो है मेरे मंदिर आदि का सेवा करनी चाहिए। अमानित्तम अदम्भित्तम कृतस्य अपरिकीर्तनम अपि दीपावलोकम मे नोपयुञ्जात् निवेदितम। अमानित्तम अदम्भित्तम, पूर्व में कहा हुआ दोबारा यहाँ पर संक्षेप में, अमानी मान कल्पो मैत्र कारुण कवि ही कहा था हाँ, साधु के लक्षण में 30 लक्षणों में से एक, उसी को यहाँ अनुवाद कर रहे हैं। यदि तुम भले वहाँ क्या कहा था, बुद्धि उसमें नहीं लगती है, कर्मयोग करो, तो कर्मयोग करने में भी इसमें लगे रहना चाहिए। तो कहते क्या है, अमानित होना चाहिए, दूसरा अदम्भित्व, हम ढोंग नहीं होनी चाहिए उसमें पूजा पाठ से सेवा आदि में किसी प्रकार की, और किए हुए अपने पुण्य कर्मों का कभी कथन नहीं करना चाहिए दूसरों के, मैंने ये किया है, मैंने वो किया, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने वैसे कर दिया, यही करके बखान नहीं करनी चाहिए। उन्होंने न्यायिक आदि भी इस बात को मानते, धर्म अक्षर दी कीर्तना कह दिया, तीन चीज गिनाया ना उन्होंने, कौन सा याद है, धर्म अक्षर दी कीर्तना तो अंतिम पाद है, करतो या तिलंघनात् धर्म अक्षर कीर्तनात्, तीसरा चौथा पाद है ये। पहले दो पाद क्या है, गंडक्याम बाहुतरणात्, गंडक्याम बाहुतरणात् करतो याति स्पर्शनात्, करतो याति लंघन, गंडक्याम बाहुतरणात् धर्म अक्षर कीर्तनात्, गंडकी नदी में बाहु से तैरना नहीं चाहिए, करतो ही नदी मैंने दामोदर नदी इसका स्पर्श नहीं करना चाहिए, नर्मदा जी के लिए कुछ और संज्ञा दिया, नर्मदा जी को लांघना नहीं चाहिए, नर्मदा को लांघने से पुण्य नष्ट हो जाता है, तैर के नहीं, लांघने का मतलब तैरना थोड़ी, लांघना और तैरना भी बहुत आकाश पाताल का फर्क है, पुल से सबसे नीचे घूम के आना चाहिए प्रदक्षिणा करते हुए नदी को, इसलिए जो रामेश्वर यात्रा जाते तो बड़ा कठिन होता है, इधर नर्मदा जी दामोदर है दोनों के बीच में से जाना चाहिए, ऐसे सब नियम है। आजकल तो पुल बन गया, लोग अपने आधुनिकता के हिसाब से चलते हैं, इसलिए पुण्य प्राप्ति होती नहीं इन सब यात्राओं में। खैर, तो इसलिए से वहां पर कहा पुण्य अक्षर दी धर्म अक्षर दी कीर्तनात्, अच्छा इसलिए कृतस्य अपरिकीर्तनम अपि दीपावलोकम में नोपयुंजात निवेदितम। मैं दीपावलोक, मेरे लिए जो दीप जलाया उस दीप के प्रकाश में अपना कोई काम धंधा नहीं करना, भगवान के लिए दीपक जला दिया और उस दीपक से अन्य काम धंधे कर रहे हैं आप, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं कुछ नहीं। ये लो दीपक से भगवान का पूजा पाठ करो, भगवान की स्तोत्र पाठ करना है, भगवान की पूजा कर रहे हैं आप, लाइट चली गई, दीपक जला दिया है, उस दिन से आप पुस्तक जो देख के पाठ उठ कर रहे हो भगवान की पूजा संबंधी, बस वही कर सकते हैं। भगवान के जलाए दीपक से भगवान के लिए जलाया हुआ है, वो मेरे स्वाध्याय के लिए थोड़ी जलाया हुआ है, दूसरी जलाओ अपने स्वाध्याय करने के लिए। चाणक्य ने इस नीति को अपनाया था ना, जय राज्य का काम करने के लिए अलग दीपक था, जो राज्य से फ्री में सरसों तेल मिलता था सरकार से, तो उस फ्री सरसों तेल को वो उपयोग करते थे राज्य का काम के लिए,
अब अपने जो आया था ना, वो जो अलेक्जेंडर का जो सेक्रेटरी वगैरह जब पहुंचा था, जो उस सेनापति, तब ये तो हुआ, वो जब आए तो अपना काम कर रहा था, काम पूरा होने के बाद पहले बुझाया उसको, फिर दूसरा जलाया। तो उसने कहा हम लोग के यहाँ तो कोई अतिथि आता है तो उसके दीपक जलाते, लेकिन बुझाते तो है नहीं, आपने ऐसे क्यों किया? कहा कि इसलिए हमने किया है, वो राज्य के सरसों तेल से जल रहा था, मेरा तनखा का नहीं था वो, अब ये मेरे कमाई का है, तनखा का है, इसलिए अब इससे जलाया, इससे हमारा तुम्हारा प्राइवेट काम है ना, इससे प्राइवेट काम अब बात होगा, अब तुम सरकारी तौर पर सरकारी काम से बात आयो तो इसको बुझा दूंगा, फिर उसको जला दूंगा। दिल्ली खर्च हमारी खर्च है ना, सरकार की तो नहीं हुई। तब उसने कहा जिस देश के मंत्री ऐसा हो उस देश में कभी किसी प्रकार का गड़बड़ी नहीं हो सकती। और मिला कहां सा तो उसको बाद में दोबारा जब ढूंढा उसको तो गंगा जी के घाट पर, स्वयं घड़ा पानी एक में दूसरा गीला कपड़ा लिए हुए आ रहा है। जिस देश के मंत्री कभी अपने सरकारी कर्मचारी को अपने काम के लिए इस्तेमाल नहीं करता है, नहीं तो घड़ा के आजकल जैसे डीएम फेमर क्या होते हैं, नौकरों के हर काम में पत्र साड़ी धोने में लगवा देंगे, सब कुछ करवा देंगे, जबरदस्ती सब काम करने को लगा देते, सब्जी लाओ ये लाओ वो करो, वो जमाने ऐसे नहीं, तो उसने नहीं ये तो हमारा काम है, मैं ना आ रहा हूं, मेरा अपना है, तो सरकारी काम तो है नहीं, तो सरकार का नौकर क्यों आएगा हमारे साथ घड़े पानी ले जाने कपड़ा ले जाने, ऐसा था, इतनी ईमानदारी और भ्रष्टाचार जो था, इसलिए देश उस समय सोने की चिड़िया थे और सारे बड़े बड़े देश के लोग सुन सुन के भाग भाग के आए यहाँ लूटने के लिए, भूसवितरा सोना चांदी सोने के जो दीप स्तंभ था विजयनगर में, इतनी प्रसिद्धि है, आवाज सीमेंट के लग गए हैं सब जगह, क्या करें, हाँ सीमेंट के सब जगह, लोहे के सीमेंट के लग गए, ये दुर्दशा हो गया। लेकिन वो सब कांग्रेसी थे, सब कांग्रेसी बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब भ्रष्ट है, ठीक है, कुछ भाग्य बेईमानों से थोड़ा वो ठीक थे, इतना ही है, भाग्य वो भी वही है, नहीं तो ना क्यों विरोध नहीं किया, गलत हो रहे हैं उन आंकों के सामने, नेहरू गड़बड़ कर रहा था क्यों चुप थे, विरोध कर इस्तीफा दे, बहुत लोग ऐसे गड़बड़ी किए हैं देश को बर्बाद करने में, इन सब का हाथ है, चाहे जो भी होगा सबके हाथ है, विद्रोह कर देते, अब ये सब हूं करते रहे पढ़े लिखे आम जनता क्या करती, वो तो मूड थे, भाव में भावना में थे, बस स्वतंत्र हो गए, बस मस्त हो गए सब, ये नहीं देख रहे क्या हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं कर रहा है, कोई नहीं देखता, तो विपक्ष भी ठंडी पड़ी थी, 20 साल तक विपक्ष तो बोली ही नहीं कभी कुछ, सोए पड़े थे, ये तो 1969 में 69 में पहली बार कांग्रेस में विरोध हुआ आपस में, विपक्ष ने भी तब आवाज उठाया, कुछ ऐसे दुनिया भर के होते हैं। तो जयप्रकाश नारायण तो बहुत बाद के पैदा हुए, वो तो थे ही नहीं वो जमाने, श्री भगवान वचगा, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि सम्मार्जन कहते कि भाई कैसे करनी चाहिए, अभी दीपावलोकम में नोपयुंजात और निवेदितंच नोपयुंजात, और मान लो किसी अन्य देवता के लिए आपने निवेदन को अच्छी को कर दिया, उसको विष्णु भगवान के दोबारा अपने जो प्रधान देवता के लिए, अंग देवताओं को अर्पित वस्तु को कभी प्रधान देवता के लिए अर्पित नहीं करना चाहिए, आप एक ही दीपक रहता है, एक ही धूप पत्ती, एक ही जो है धूप जला देते हैं सबको, सब देवता को यूं कर देते, ऐसे नहीं करना चाहिए, निषेध है, इस श्लोक में नीचे दिया है देखिए, इसलिए मैं मह्यम निवेदित दीपे तत् प्रकाश अवलोकनम स्व उपयोगी पदार्थ दर्शनादि का न कुरिया, तात्पर्य क्या इसका, साथ साथ ये भी भगवान की छत्र चामर वगैरह है उसे अपने गर्मी लग गई तो अपने पंखा लगा ले, भगवान की पंखा लिया और अपने लगा लिया, ऐसे नहीं करने का, छत्र चामर ताल वृंद पवनादि नाम अपि अनुपयोज्य प्रदर्शनार्थम इदम तद दोष परिहारार्थम वर्ति द्वय दीपकम कुरिया इति केचित आहु, इसलिए दो दीपक अलग अलग बनानी चाहिए हमेशा, एक भगवान के लिए एक अपने लिए तैयार रखे रहना, अपना काम के लिए अलग रहनी चाहिए, ये कहते दो हमेशा तैयार, ये इसका तात्पर्य,
मह्यम निवेतम दीपावलोकम अपि नोपयुञ्जात इत्यर्थ। मत प्रदत्तस्य अन्नादिर दीपस्य स्वव्यवहार मात्र उपयोगो न कर्तव्य इति। और उधर भी कहते हैं आगे में भी, यद्यदिष्टतमं लोके यच्चात्य प्रियमात्मनः तत्तत् निवेदयेत् मह्यं तदानन्त्याय कल्पते। कहते तदानन्त्याय भक्तिया तो ग्राह्यमेव, लेकिन एक बात वहां टीकाकर और बात कर रहे हैं टीका में, लेकिन भक्ति पूर्वक प्रसाद के रूप में भगवान को दिया हुआ नियोग निवेदन को, निवेदित जो वस्तु है नैवेद्य को आप ले सकते हैं। अन्यथा आप जो है बढ़िया माल छकने को मिल गया, भगवान का भोग लगा हुआ फर्स्ट क्लास है, बहुत ज्यादा कैलाश वगैरह तो हमने देखा ज्यादा डालते हैं, भगवान ज्यादा खाएंगे क्या भंडारे के दिन? अच्छा चीज बन भगवान ज्यादा खाएंगे, अपने लिए डाल रहा पुजारी। हाँ, अपंगत में कम मिलता है, हम वहां पे देखा है ना अपंगत में कई बार ऐसे होता है कि एक बार आ गया दोबारा आता ही नहीं। अभी पुजारी को पहले सब खबर ले लेता है वो, जैसे उस दिन 10 ही मरते डाल देगा, अब कोई बोल नहीं सकता भगवान को भोग है ना, अपने स्वार्थ में सब खटपट करते हैं। ऐसे कहते हैं ऐसा नहीं करना, प्रसाद के रूप में जो प्रसाद कितनी होती है, थोड़ा सा पेट भर के थोड़ा होता है प्रसाद, प्रसाद तो पेट भर के ब्रह्मांड आश्रम में तो केवल भगवान के भोग को लेकर लड़ाई हुआ, भोग का हिस्सा हमको मिलना चाहिए, तुमको नहीं मिलेगा, ये नहीं उसको नहीं देना, इसको नहीं देना, मेरे को देना, हरी राम राम, इसी को लेकर लड़ाई। वहां से 12 क्यों लाता है, 16 रोटी लाओ, हमें भी 4 दे दो, सब लफड़ा यही सब है, है? भगवान ने ऐसा पेट बना दिया है, बस साधु हो जाओ कुछ हो जाओ, यदृच्छा लाभ ने संतुष्ट बोलते रह जाएंगे, लेकिन जो है रोटी की लड़ाई चलती रहेगी, राशन की लड़ाई चलता है, छूटता नहीं, बड़ा मुश्किल काम। इसलिए कहते भक्ति से प्रसाद के रूप में ग्रह का ग्रहण कर सकते हैं। षड बीरमास उपवास इस्तु यत फलम परिकीर्तितम पिष्टोर नैवेद्य सिक्थेन पुण्यम तद भुंजतांगलौ हृदय रूपम मुखे नाम नैवेद्यम उदरे हरे हे पादोद कंच निर्माल्यम मस्तके यशोच्युतः। कहते साहब लिखा षडवीर मास उपवास इस्तु, 6 महीने लगातार उपवास की कोई अनुष्ठान करता हो उससे जिन जो पुण्य होता है वही फल उस व्यक्ति को मिलता है जो अपने प्रधान देवता का नैवेद्य को ग्रहण करता है। या तो विष्णु भगवान संबंध इसलिए विष्णु कहते हैं, अब शिव में जाओ तो शिव जी को कहेंगे, सौर में जाओ तो सूर्य को कहेंगे, इसलिए हम लोग समान रूपये घटाने के लिए क्या कहते हैं, प्रधान देवता। जो भी आगे प्रधान देवता है, चाहे शिव है, चाहे विष्णु है, चाहे सूर्य है, चाहे गणपति है, चाहे शक्ति है, ये पंच संप्रदाय वैदिक संप्रदाय में से कोई प्रधान देवता होता है, इसको लगाए भोग को आप जो है जो नैवेद्य भोग कहते हैं, नैवेद्य को जो नैवेद्य आपने अर्पण किया उसको प्रसाद के रूप में थोड़ा स्वीकार कर सकते हैं। निष्णोर नैवेद्य सिक्थे न पुण्यम तद भुंजतांकलो, उसको भोग करता हुआ व्यक्ति, उसको खाने वाला व्यक्ति को इस कलयुग में 6 मास उपवास करने वाले को प्राप्त पुण्य के समान पुण्य प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, और जो ये साक्षात अच्युत रूपता को भी प्राप्त कर जाएगा व्यक्ति, जो व्यक्ति हृदय रूपम मुखे यस नाम नैवेद्यम उदरे हरे है, हरि का रूप को हृदय में धारण किया, हरि के नाम को मुख में ले रहा है और हरि को प्रदत्त नैवेद्य को उदर में धारण किया हुआ है। पादोद कंच निर्माल्यम चरणोदक को पी रहा है और इसके पुष्पादि को सर्प रख लिया मस्तक है, यस्य स्वच्युत अथवा अच्युत ही हो जाता है। इतनी प्रशंसा की गई है, अतः भगवान का निवेद्य निषेध भी कर रहे हैं, यही किस लिए, भोग दृष्टिया, अब स्वाद दृष्टिया लेंगे उसके लिए निषेध है, लेकिन भक्ति से आप प्रसाद गृह में ग्रहण कर रहे हैं तो वो उत्कृष्ट है। ये तात्पर्य यहां पर और भी नीचे दे रहा है, देखो अन्यस्मिन् निवेदितम् मे नोपयुञ्जात, ऐसा भी अर्थ की जा सकते हैं, मह्यम न निवेदित विष्णोर् निवेदितान्येन यष्टव्यम् देवतान्तरम् पितृभ्यश्चैव तद्देयम् तदा आनन्त्याय कल्पते पितृशेषं तु यो दद्यात् हरये परमात्मने रेतोदा पितरस्तस्य भवन्ति क्लेशभागिनः। विष्णु को निवेदन कर दो, वह निवेदित अन्न आदि को आप अन्य देवताओं को छोटे मोटे देवताओं को दे सकते हैं, क्योंकि प्रधान देवता को जो दिया हुआ है उससे आप अन्य छोटे मोटे देवताओं की पूजा पाठ भी किया जा सकता है,
लेकिन छोटे को दिया हुआ से प्रधान को नहीं करने का। प्रधान देवता का जे लिए अर्पित वस्तुओं से आप अंग देवताओं की पूजा भी कर सकते हैं। प्रधान देवता को अर्पण कर दो दीपक और फिर उस दीप से अन्य को, प्रधान देवता को आरती उतार दो, बाद अन्य को आरती उतार दो, उसी से आरती उतार सकते हो। यदि पहले आप अन्यों को करते हो फिर उस आरती उठाओ, जब प्रधान को करनी होगी तो अलग आरती से प्रधान को करना पड़ेगा। हाँ, इसे अलग आरती करनी रखनी पड़ेगी प्रधान की हमेशा। नियम तो है पहले अंगों का करना पड़ता है, बाद प्रधान को। आज इसलिए चालाकी करते हैं लोग श्लोक के आधार पर ही, कहे कौन 25 आरती करे, शो करने वाले 25 करेंगे वो, लेकिन हर आरती को क्या करें, पहले प्रधान को कर देंगे बाद में सबको कर देंगे, फिर दूसरी लाएंगे उसको प्रधान से करेंगे फिर बाद में सबको करेंगे। कई मंदिरों में 10-15 आरती करते हैं अनेक प्रकार की, तो एक बत्ती वाला, एक कलश के ऊपर वाला, 5 बत्ती वाला, 7 बत्ती वाला, 108 बत्ती वाला, ऐसे अलग अलग होते हैं। आधा घंटा पौने परिवार के जरा कर ना अशुद्ध है, धोना पड़ेगा, मंदिर में कहीं गलत करते हैं, धोना पड़ेगा, धोए बिना पवित्रता कहाँ से आना है उसमें। इस्तेमाल हो गया और झूठे बर्तन दोबारा पकाने वाली बात हुई ना, फिर झूठे बर्तन में दोबारा पकाए देने से पवित्र हो जाएगा वो अन्न। झूठा तो झूठा है, बर्तन ही झूठा है, उसे पका लो दोबारा तिबारा क्या फर्क पड़ना है। झूठे दीपक में आरती में तुमने दोबारा जला दिया एक ही जो बाजार जवा रहे, वही सब आलसी लोग हैं और कमर्शियल लोग हैं ना, कमर्शियल लोग हैं। वो पर्ची कटती है पर बार बार कहां तक वो धोते रहे, पूजा की हालत खराब हो जाएगी वो क्या करे बेचारा, मजबूरी है उसकी भी। अब वैसे नियम ऐसा नहीं है, जब जाएगा तब आरती करो, आ रहे भगत आ रहा उसको नारे थोड़ा आरती उतार दो, 50 बार आरती होती रहती है। दक्षिण के भी मंदिर में सारा खटपट चलता है कमर्शियल हो जाने से। सुबह, दोपहर, सायंकाल, रात्रि 4 आरती होती है। प्रातःकाल जब भगवान को जगाते हैं हाँ, तब 1 बार आरती होगा, फिर बाद में स्नान ध्यान सब कराने के बाद दोपहर के भोग लगाओगे थे ना उस समय के 1 आरती होती है, फिर सायं संध्या आरती होगा, फिर शयन आरती होगा, 4 ही आरती होती है। और 4 बार धोने में पुजारी को भी कष्ट नहीं होगा, और संध्या आरती को विशेष कर दो भले है ना, अनेक प्रकार की आरती शो कर थोड़ी, जो लोगों के भक्ति पर खूब घंटे बज रही है, खूब घंटे पर आरती उतार रहा है पुजारी, लो लगा हुआ है मस्त होकर, तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन उसको बार बार धोना नहीं पड़ेगा ना। अब ये है कि जब बार बार धोने के चक्कर में वो एक ही को बार बार बुझाएगा, फिर वो एक कटोरी रख देते हैं वो लोग, जान कर हाथ से नहीं बुझाना है ना, कटोरी बंद कर दिया, बुझ गया और फिर जला दिया उसी को, अगला आ गया जजमान तो उसको फिर जलाओ फिर करो। ये गलत प्रक्रिया है, अशास्त्रीय प्रक्रिया। खैर, इसलिए कहते ये सब नहीं करना चाहिए, टीका मना कर रही है। निविष्टो निवेदित अन्न इष्टव्यम देवतांतरम पितृभ्यश्चैव तद्देयम् तदा आनन्त्याय कल्पते। पितरों को भी दिया जा सकता है उस अन्न को, यहां तक कह दिया, लेकिन पितृशेषं तु यो दद्याधरये, जो उल्टा अन्य देवताओं को दिया उस विशेष रूप में पितरों को दिया उस हरि को दे दिया परमात्मा के लिए, वो पितर तो भी सीधे नरक में पहुंच जाएंगे। तस्य भवन्ति क्लेश भागिनः, और उस जीव का विवेचन जिसने ऐसे किया वो महान क्लेश भागी हो जाएगा, इत्यादि वचनों से सुस्पष्ट है। यद्यदिष्टतमं लोके, इसलिए आपके लिए इष्टतम जो पदार्थ होता है, यच्च अति प्रियमात्मनः, और आपका अत्यंत प्रिय जो वस्तु होता है, तत् तत् मह्यम निवेदयेत, मेरे लिए निवेदन कर देना, ऐसे करने वाले को तत् आनन्त्याय कल्पते, वह अनंत फल प्रदान करने वाला हो जाएगा। अब मूर्ति का वर्णन करेंगे, हमारा जो कितनी मूर्ति है, 11 मूर्तियों में मेरी पूजा हो सकती है, 11 प्रकार की मूर्तियां होती है। कौन कौन मूर्ति होता है मूर्त रूप में मेरा, भगवान स्वयं सुना रहे, सूर्योग्निर् ब्राह्मणो गावो वैष्णव खम मरुज्जलम भूरात सर्वभूतानि भद्र पूजा पदानि मे। कहते हैं कि भाई सूर्य 1, अग्नि 2, ब्राह्मण 3, गौ 4, विष्णु वैष्णव माने भक्त विष्णु भक्त 5, खम माने आकाश, कौन सी आकाश लेना है वो भी बताएंगे, हृदय आकाश लेनी पड़ेगी, मर्त वायु जल, ये हो गया 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, भूहु 9, आत्मा माने शरीर 10, सर्वभूतानि 11। हे भद्र, ये सब मैं पूजा पदानी,
मेरे पूजा करने योग्य अधिष्ठान ये, इनमें मेरी पूजा तुम कर सकते हो। भूमि पृथ्वी, अब किसमें कैसे भी बता रहे, किसमें किस प्रकार करनी पड़ेगी। सूर्य में कैसे करोगे, सूर्य तु विदे आत्रेया हविषाग्नौ वेजे तम्बाम आतिथ्येन तु विप्राग्रे गोष्वंग यवसाधिना। सूर्य में त्रिविद्या के द्वारा सूर्यमंडल पुरुषभूता परमात्मा को त्रिविद्या कर्म कांड के द्वारा यज्ञ आदि के द्वारा करनी चाहिए। और अग्नि में हविषा मेरी पूजा होगी, हविषा अग्नौ मामेजेत। और विप्राग्रह विप्र श्रेष्ठों में आतिथ्येन अतिथि सेवा के माध्यम से विप्र श्रेष्ठ के तुम सेवा कर दोगे और मेरी पूजा है। और गौ को क्या सेवा करने पर आपकी पूजा होगी, ये वसा दिना जो गौ को भूसा खिलाया चारा खिला दिया हा? उसकी जो गोबर तो साफ कर दिया, लघु शंग साफ कर दी, सब साफ सुथरा कर दिया, ऐसे गौ की सेवा करना क्या है, ये भगवान की सेवा है। वो कहते मेरी पूजा हो गई, उसी से मेरी पूजा हो गई समझ लेना। और वैष्णवे बंधु सत्कृत्या हृदय खेद ध्यान निष्ठया वायो मुख्य ध्या तो ये द्रव्यस्तो ये पुरस्कृत ही। और वैष्णवे विष्णु भक्तों में मेरे भक्तों को बंधु के समान सत्कार करते हुए सेवा करने पर वो मेरी पूजा हो गई समझो। और आकाश में कौन सी आकाश, हृदयाकाश में ध्यान निष्ठ होकर मेरा स्वरूप आदि का ध्यान चिंतन मनन करोगे, वो भी मेरी पूजा है। वायो मुख्य धिया, मुख्य धिया मैंने प्राण दृष्टिया, आपके शरीर में जो मुख्य प्राण है, मुख्य मैंने मुख्य प्राण दृष्टि से वायु रूपा मुझ परमात्मा में आपका पूजा हो जाएगा। प्राण दृष्टि से भगवान ये प्राण है, इस शरीर में चल रहा है, आज भगवान ही शरीर को जिंदा रखा है प्राण रूप में विद्यमान रह करके, ऐसे प्राण रूपी वायु को इस शरीर के अंदर विद्यमान प्राण रूपी वायु को ही परमात्मा ऐसे भावना कर लेना, यही उस परमात्मा की पूजा है। मुख्य दृष्टिया प्राण दृष्टिया तिर तो ये द्रव्य तो ये पुरस्कृत ही तो यो तो में जल में तो आदि भी द्रव्य तर्पण आदि ना तर्पण आदि के द्वारा जो है भगवान की पूजा की जाती है। कह दिया स्थंडिले मंत्र हृदय भोग आत्मनी क्षेत्र सर्वभूतेशो समत्वेन यजेतमाम। पृथ्वी का पृथ्वी में क्या है, स्थंडिल बनाओ, स्थंडिल बना करके उसमें विभिन्न प्रकार के यंत्र यंत्र है, यंत्र होता है, मंडल होता है ना, सर्वतो भद्र मंडल, एक लिंग तो भद्र मंडल हो गया, अनेक प्रकार के मंडल बनते हैं ना, मंडल को बना लिया। यंत्र तंत्र मंडल, इन तीनों में मंत्र का प्रयोग होता है। यंत्रों का निर्माण होता है ना, गायत्री यंत्र, अमुक यंत्र, अमुक यंत्र होते, श्री यंत्र वगैरह दुनिया भर के यंत्र होते हैं। यंत्र हो गया, तंत्र हो गया, तंत्र में मुद्रा प्रदान और मंडल हो गया, इन तीनों में मंत्र का प्रयोग होना है साथ में, यही पूजा भगवान का जय पृथ्वी में पूजा समझो। ये सब पार्थिव पदार्थ है, पृथ्वी पर स्तंडिल बना दिया और स्तंडिल पर यंत्र को लेखन कर दो और भगवान का आह्वान करके पूजा पाठ हो गया, अथवा मंडल बना करके पूजा पाठ होगी, अथवा मुद्राओं के माध्यम से हो सकता है, पार्थिव शिवलिंग बना लिया, पार्थिव विष्णु बना लिया। इस तरह से पृथ्वी का जो करनी है तो स्थंडिल आकार बना करके, स्थंडिल मतलब भूमि, कैसे, मंत्र हृदय, मंत्र हृदय, मंत्र हृदय मैंने रहस्य मंत्र न्यास ही इत्यर्थ आगे ना, रहस्य मंत्र न्यास। और मंत्रों का न्यास कैसे करेंगे हम, बिना यंत्र का नहीं होगा, बिना तंत्र का नहीं होगा, अथवा बिना मंडल का नहीं होगा, इसलिए यंत्र तंत्र मंडल तीनों से युक्त होकर के स्थंडिल में भगवान का पूजा किया जा सकता है मंत्रों के द्वारा। मंडल मतलब सर्वतो भद्र मंडल, एक तो भद्र मंडल चित्र होते हो भी, वो भी चित्राकार ही है यंत्र के जैसे, लेकिन यंत्र और चित्र मंडल में बहुत फर्क है, वो सब बहुत बड़ी रहस्य है। ये सब ग्रंथों को पढ़ेंगे तब पता चलेगा, आगम ग्रंथों को पढ़नी चाहिए तब समझ में आती है सब चीजें, करना नहीं तो पढ़ना क्या है, छोड़ो। युक्तम जर्ष, और क्या है, कहते क्षेत्रज्ञ नहीं, भोगैर आत्मानम आत्मनी, भोगैर आत्मानम आत्मनी, अपना इस शरीर में, अपना इस शरीर में विद्यमान इंद्रियों के भोग के द्वारा विषयों को ही भगवान को अर्पण करता हूं। आत्मानम भगवान को अर्पण करना, इसी के द्वारा तुम अपना भोग नहीं करना, इंद्रियों से खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, ये सारी चीज को भगवान को अर्पण कर देने से वो मेरी पूजा हो गई समझो।
और अंत में कहते हैं क्षेत्रज्ञं सर्वभूतेषु, सकल शरीरों में विद्यमान क्षेत्रज्ञ रूपा जीवात्मा वह मैं हूं, अतः समत्वेन मामे, सभी में समत्व दृष्टि से व्यवहार करोगे ना वही मेरा पूजा है समझो। दिष्टेश्वेश्विति मद्रूपम शंख चक्र गदाम्बुजैहि युक्तम चतुर्भुजम शांतम ध्यायन नर्चित समाहितः। दिष्टेश्वेशु शंख चक्र गदाम्बुजैहि मद्रूपम इति, इन सभी शरीरों में, दृष्टेशु मने इन सकल शरीरों में, सर्वाधिष्ठानेशु एशु सर्वाधिष्ठानेशु सर्वभूतेषु मद्रूपम, मेरा रूप क्या है शंख चक्र गदा कमल से युक्त युक्तम मद्रूपम चतुर्भुजम शांतम ध्यायन ध्यान करता हुआ अर्चित समाहितः, समाहित वालों का अर्चना करनी चाहिए। मैंने बताया था ना, एक सेठ था वो बनारस में भंडारा देता था दक्षिणामूर्ति मठ में, वो यही करता था, भाव उसकी जो है सभी को, वही देखता कौन महात्मा की संप्रदाय, लाल पीला काला सफेद कुछ नहीं, विद्यार्थी है क्या है क्या नहीं, गृहस्थी बस कुछ नहीं देखता था, गृहस्थी भी आके बैठ जाए कोई रोक टोक नहीं, सब मना करता था, 1000 पर्चे बांटता था और बाकी जितने भी आवे कोई आपत्ति नहीं, जबरदस्त भंडारा देता, कपड़ा दक्षिणा पानी खूब, खाना पीना बहुत बढ़िया होता था। उसकी भाव क्या थी, सब चतुर्थ्यंत्र रटा हुआ था उसको विष्णु सहस्र नाम, और हमारी पूजा में बहुत टाइम लगेगा, सहस्र नाम बोलेगे एक एक को तिलक लगाएगा, पूजा करेगा, दक्षिणा देगा, सब करेगा, इसलिए तो पंगा चालू कर दो, बाद पूजा होती रहेगी, लोग खाते रहेंगे ना, तो बीच में एक मिनट रुकेंगे, खाना क्या देगा, तो इतना तो कृपा करेंगे हमें, इतना तो हम पर कृपा कर देंगे, वो आप खा रहे हैं बीच आ जाएगा वो करेगा, और कोई बोल रहा है वो साथ ही होते ना ब्रह्मचारी जो लेके माल चल रहे, वो नमस्त बनते हैं बार बार बोलते रहते हैं, लेकिन उसको नमस्त रहने से कोई मतलब नहीं है, अब अपने चतुर्थ्यंत बोल रहा है विष्णवे नमः प्रभु विष्णवे नमः, ऐसे एक एक को तिलक लगाते जाते हैं, उस सबको उस रूप में देखते जाता है, भगवान विष्णु ही सब बैठे हुए हैं, उन्हीं के नामों से उनको सबकी पूजा कर रहा है, आपके नाम से कोई मतलब नहीं, उसको कौन बैठा है, ऐसे भी देखा इस जमान इस कलयुग में 20 साल पहले, तो होते हैं ऐसी बात नहीं है, इसलिए कहते ये भी सब विधियां हैं, और आज तक भी कुछ कुछ लोग पालन कर रहे हैं इन सब विधियों को। इष्टापूर्तेन महावेमम यो यजेत समाहितः लभते मयि सद्भक्तिम मस्मृति साधु सेवया। इष्टापूर्तेन एवं माम यो यजेत, इष्ट अपपूर्त और दत्त कर्मों के द्वारा जो मेरा यजन किया करता है समाचित वाला होकर के, वो मुझ में सद्भक्ति को प्राप्त करेगा, मेरी स्मृति सदा उसके अंदर बनी रहेगी, और साधु सेवा के माध्यम से सारी चीजों को प्राप्त करता है। प्रायेण भक्ति योगेन सत्संगेन विनोद्धवः नोपाय विदते सद्धिं प्रायणिं हि सतामहम्। देखो सत्संग के बिना भक्ति योग के द्वारा भी प्रायेण न उपाय विद्यते, भक्ति योगेन सत्संगेन च विना, दोनों को ले लो, बिना सत्संग का और बिना भक्ति योग का, जो सत्संग के बिना भक्ति योग मिलेगा नहीं, और भक्ति योग के बिना आप कोई भी सद्रंग उपाय की प्राप्ति मोक्षादि का मार्ग खुलता ही नहीं है। ज्ञान भक्ति मार्ग उक्त तथा ज्ञान मार्ग तो भक्ति मार्ग सृष्टि इत्याह प्रायेण इति, सत्संगेन यो भक्ति योग तेन विना उपाय संसार तरणे न विद्यते, क्यों प्रायणम ही सतामहम, सत्पुरुषों का अहम मैं जो है प्रकृष्टतम आयतन हूं, अतः सत्संगो मई अंतरंग साधन मित्रता, मुझको प्राप्त करने में सत्संग अंतरंग साधन है, क्योंकि सत्संग से ही पराभक्ति की प्राप्ति होती है, और पराभक्ति की प्राप्ति बिना आगे ज्ञान पचता ही नहीं, शब्द ही रह जाता है, हाँ शब्द ज्ञान रहता है, अब यह तो है एक महत्व पास में ही, अब वो जब भी बोलो बहुत बढ़िया इतना वेदांत वाला श्लोक 10-20 सुना दे खटाखट, केशवानंद नहीं जब भी बोलो इतना वेदांत सुना देता है, इतनी बातें बोल देगा और इतनी खटपट आनंद है वो, मैं नाम केशवानंद रख दिया, उसके लिए वो घटता है के शवानंद के को अलग कर देना पड़ेगा, कितनी शवों का आनंद ले रहा है भगवान जाने
बात परसों भी पकड़ लिया रास्ते में, जो घटपट हो रखा है उसके दयानंद के साथ ना अभी, तो बस बहुत इधर उधर। मैंने कहा महाराज अब जितनी वेदांत के श्लोक भी साथ साथ सुना देते हो उसके अनुसार थोड़े जीवन में उतारो ना, काहे इन लोगों के चक्कर में पड़ रहे हो। छोड़ो भगवान पर, कभी किसी को सहारे को बुलाते फिर उसके साथ छोड़ देते हो, उसको सहारे बुलाए उसको भी लात मार दिया। मैंने कितनों को आपने अर्पण कर दिया त्याग दी, क्यों भगवान को अर्पण किया तुमने? किया नहीं, इसे लात खा रहे हो। छोड़ो ये सब लफड़ों को, अपने पास है ना माया, माया देवी के साथ रहो मस्ती से, काहे को फिर चक्कर पड़ रहा है? कभी वो आश्रम कभी ये आश्रम कभी वो आश्रम, सबको झूठे बदनाम करते हो, झूठे पुलिस केस करोगे, झूठे कोर्टों में जाओगे, क्या साधु होकर क्या वेदांत पढ़ा, क्या सुनाते हो वेदांत? लेकिन वो अकल सुधरती तो है ना, वो तो वही हो रखा है ना कोलू का बैल, वो औरत जैसे बोलेगी वैसे सो करना, माया देवी के हाथ में नाचता। सारा वेदांत किस काम का रटा हुआ है, हमको इतना याद नहीं श्लोक बोको से जितना वो बोलता है, है? इतनी याद है उसको, लेकिन सब बेकार है। याद नहीं रहे वो भी ठीक है ना, याद रह रह करके ऐसे माया के पस जाए तो क्या फायदा? याद न रहे सर्व प्रतिष्ठित हो जाओ, एक भी श्लोक याद न रहे कोई बात नहीं, शब्द तो वैसे मिथ्या हो जानी है, शास्त्र तो छूटनी है। अरे चिंतन हो जाए, शास्त्र के अर्थ आपके समागम हो गया, ये सार भूतम तदुपासितव्यम, इसलिए कहा गया तो सार को पकड़ो और उसकी वृत्ति चलती रहे, बस काम खत्म। वो श्लोक याद है या नहीं है कोई लेन देन नहीं है, श्लोक का अर्थ तो चिंतन चल रहा है वो मुख्य है। स्वरूप चिंतन होने लग जाए मंत्र हो गया, क्या लेन देन है हमारा? गांव पहुंच गया गाड़ी से क्या लेन देन है? गाड़ी में बैठे रहेंगे क्या? पहुंच गए गांव, बात खत्म, उतरो। उसी प्रकार यहां पर भी है ना भाई, वृत्ति बनाने के लिए सब सहयोगी है ना, अब वृत्ति बन रही है फिर इसको क्यों पकड़े रहना, उसके पीछे लगे रहोगे? याद बनाए रखना है तो रोज रटो, रोज पढ़ो, रोज क्या पढ़ोगे? वो पाठ करने में टाइम लगा देते हो, बहिर्मुखी हो जाते हो और ध्यान ही नहीं कर पाते, वृत्ति तो हुई नहीं, शब्दों में लगे रहेंगे। अरे ध्यान करो, शब्दार्थ का चिंतन करो, हाँ चिंतन नहीं होता है तो फिर शब्द में आ जाओ, फिर चिंतन में जाओ, शब्द गौण चिंतन महत्वपूर्ण है, अर्थ का ध्यान होने लगे वो मुख्य होता है। वो हो रहा है तो शब्द को छोड़ दीजिए उस समय, और उसमें फिर देखा आपने भाई वो नहीं हो पा रहा फिर आ जाओ आप शास्त्र में, इसलिए आमृतेर कालम इसलिए कहते आसमृतर आमृतेर कालम निरंतर वेदांत चिंतिया, चिंतन मुख्य, चिंतन नहीं होता है तो बीच में एक आध घंटा लगो शास्त्र में, जब जब छूट रहा है तब तक लग जाओ वापस शब्द में आ जाओ, फिर शब्द में लगे हो गए अर्थ समझोगे फिर वापस अर्थ में पहुंच जाओ, ये चक्र चलनी चाहिए। यावत अर्थ में स्थायी स्थिति नहीं होती तावत पर्यंत केवल बीच बीच में शब्द में आना पड़ता है, इसलिए कहते हैं यहां पर भी कि करना क्या चाहिए उसको, कि भाई संसार धारण के लिए एकमात्र उपाय अंतरंग उपाय सत्संग ही है। अथई तत् परमम गुह्यम श्रृणवतो यदुनंदन सुगोप्यमपि वक्ष्यामी त्वं मे भृत्य सुहृत सखा। कहते हैं फिर भी मैं तुम्हारे लिए परम गुह अत्यंत रहस्यपूर्ण बात तुमको कहने जा रहा हूं। हे यदुनंदन, उद्धव के संबोधन है, यदुवंशी है ना इसलिए हे यदुनंदन उसको संबोधन कर रहे हैं। सुगोप्यम अपि गुह्यम अपरमम गुह्यम सुगोप्यम अपि, अत्यंत रहस्यपूर्ण है और अत्यंत जो है बात किसको सुनाने वाली बात नहीं सीधी सीधी, फिर भी मैं तुम्हारे लिए क्योंकि तुम मेरा भृत्य हो दास हो अत्यंत प्रिय हो और परम मित्र हो इसलिए मैं तुमको सुना रहा हूं। बोलती क्या है वो बात? श्री भगवान वाच न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एवच न स्वाध्यायस्तपो न सांख्यम धर्म एवच न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तम न दक्षिणा। कहते माम योगो न रोधयति न सांख्यम धर्म एवच, मुझे न योग रोक सकता है न सांख्य न धर्म, किसी भी तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो। कहते वहां भी भगवान ने कहा गीता में भी यज्ञ ने दान तपसावा सब शब्दावली प्रयोग किए इस प्रकार की, वही कह रहे न रोदेति माम योगो न रोदेति माम सांख्यम न रोदेति माम धर्म एव न स्वाध्याय तपस्त्यागो न इष्टापूर्तम न दक्षिणा। कोई चीज से आप मुझे प्राप्त करना चाहो तो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते हो,
किसी से भी नहीं। व्रतानि यज्ञश्चन्दांसि तीर्थानि नियमा यमा यथा वरुन्दे सत्संग सर्वसंगापहो हिमां। कहते चाहे स्वाध्याय भी क्यों ना हो, व्रतानि यज्ञश्चन्दांसि, व्रत यज्ञ वेद पाठ तीर्थयाटन नियम यम ये सारी चीजें उस प्रकार से मुझे प्राप्त नहीं करा सकते जिस प्रकार से सत्संग मुझे प्राप्त करा सकता। यथा सत्संग वरुन्दे तथा न सब अन्वय कर देना। सर्वसंगाप हो हिमा, सर्वसंग को नाश करके मुझे ही प्राप्त करता है जिस प्रकार से सत्संग, उस प्रकार से अन्य कोई भी साधन मुझे प्राप्त नहीं करा सकता। ऐसी बात है, सत्संग की महिमा इतनी है। कहते हाँ सुनो देखो तो भला, कौन कौन क्या क्या पाया है सत्संग से। सत्संगे रही दैते या तो धाना मृगा खगा गंधर्वाप सरसो नाघा सिद्धाश्चारण गुह्य का। सत्संग के द्वारा दैते दिति के संतान राक्षस लोग या तो धान मृग खग गंधर्व अप्सराए नाग सिद्ध चारण गुह्य विद्याधरा मनुष्येशु वैश्या शूद्रा स्त्रियों त्यजा रजस्तम प्रकृतस्तस्मिन् तस्मिन् युगे अनगह। तस्मिन् तस्मिन् युगे तत्तद् युगों में इस तरह से विद्याधर लोग, मनुष्यों में भी देखो वैश्य तक भी, ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय नहीं वैश्य तक भी, शूद्र स्त्रियां और अंत्यज लोग भी, अंत्यज रजस्तम प्रकृत रजगुण तमगुण की प्रकृति वाले भी क्यों न हो, तत्तद् युग ने मुझे सत्संग के द्वारा ही प्राप्त किया ही अनगह। बहवो मत पदम प्राप्तास त्वाष्ट कायाधवादय वृषभ पर्वा बलिर्बाणो मयश्चात विभीषण। बहुत लोगों ने मेरे पद को प्राप्त किया सत्संग से, कौन कौन, जैसे दृष्टांगिल त्वाष्ट वृत्रासुर कायाधव माने प्रहलाद वृषभ पर्वा बलि बाण बाणासुर मयासुर विभीषण सुग्रीवो हनुमान ऋक्षो गजो गृद्रो वणिक्पतः व्याध कुब्जा व्रजे गोप्यो यज्ञपत्यस्तथा परे। सुग्रीव हनुमान, ऋक्ष मने जांबवान, गज मने गजेंद्र, गृध्र मने जटायु, वणिक्पतः मने तुलाधारी, व्याध मने धर्मव्याध, कुब्जा जानते हैं, व्रजे गोप्य व्रज में गोपियां और यज्ञ पत्नी तथा परे। इसी प्रकार से अन्य भी बहुत सारे लोगों ने मुझे सत्संग से प्राप्त किए हैं। तेनाधीत श्रुतिगणा नोपासित महात्मा अवरात तप्त तपस सत्संगान ममुपागता। विशेष रूपेण गोपी और यज्ञ पत्नियों के बारे में कहते, देखो वे जो गोपियां हैं और यज्ञ पत्नियां हैं उन्होंने कभी वेद न पढ़ा न सुना है, उन्हें अधिकारी नहीं था है? नाधीत श्रुतिगणा, श्रुति समूह को उन्होंने कभी पढ़ा नहीं। न उपासित महत्तमा, ऐसे भी नहीं कोई श्रेष्ठ ऋषि महर्षि की तो वह बड़ी सेवा की हो और उन्होंने आशीर्वाद दिया कृपा कर दिया हो, ऐसे भी कुछ नहीं। अव्रात अव्रत अतप्त तपस, कोई व्रतादि का अनुष्ठान नहीं, कोई तप को तपा नहीं, केवल सत्संगात माम उपागता, सत्संग से उन लोगों ने मुझे प्राप्त कर लिए हैं। केवल ये नहीं भावेन गोप्यो गावो नगा मृगा यन्ये मूढ़ दियो नाघा सिद्धा मामी रंजसा। केवल भाव से गोपियां गौ नग मृग और भी अन्य मूढ़ बुद्धि वाले भी क्यों न हो, नागाश्च सिद्धा माम यु रंजसा, वे सब के सब स्वजन्म को सिद्ध करता अंतकरण शुद्ध वाले होकर के मुझे ही अंत तो गत्वानायास ही प्राप्त कर लिए हैं। यन्न योगेन सांगेन दान व्रत तपोध्वरैहि व्याख्या स्वाध्याय संन्यासैः प्राप्नुयात् यत्नवानपि। जिसको वो पूर्वान्वय करेगा यम माम अंजसा योग के साथ जोड़ेगा पुरुष लोग में, योगेन सांकेन दानेन व्रतेन तपसा अध्वरेण वा व्याख्या व्याख्यानैः स्वाध्यायैर् संन्यासैर्व यत्नवानपि यम न प्राप्नुयात् तम माम सिद्धासंत ते मूढ़ोपी मूढ़ोपी अंजसा इो। वैसे पुरुष लोग में अनुभव कर देना योगादि मार्गों से भी, क्योंकि इसका तात्पर्य है ना, योगादि मार्ग से तात्पर्य बिना सत्संग का ये भी सब साधन और विभिन्न प्रकार की सिद्धियां और ऐश्वर्य भोग को प्रदान करने वाले रह जाते, विभूतियां मिलेंगे
और विभूतियों को लेकर आप जो रह जाएंगे। सत्संग से क्या होगा, सब दोष दूर होता है। हाँ, नहीं वैराग्य का शिक्षा मिलती रहती है ना, वैराग्य की बातें सुनने को मिलता है, विवेक जागृत करते रहता है आदमी। जहां भी जाओ कथा प्रवचन सुनोगे, आजकल कथा प्रवचन फायदा नहीं है, वो देखियो सिनेमा के गाना गाने लग जाते हैं, बेकार लोग हैं। देशभक्ति गीत लोकगीत पता नहीं क्या क्या गाते हैं, उठपटांग। वो कथाकार और प्रवचनकार बेकार है। ऐसी कथा प्रवचन का नाम सत्संग है, जहां पर आपको विवेक और वैराग्य को बार बार जो उद्बोधित करते रहे, जागृत करते रहे, ऐसे जगह। अरे कहां नहीं हो रहा है ना, नहीं होने वालों के लिए सत्संग की बात हो रही है। जो ऐसा हो जाए तो ही हो, तो उत्कृष्ट है, उसकी बात की थोड़ी चर्चा हो रही है। यहाँ पर बोल दिया ना पहले, ज्ञान योग और भक्तियों की चर्चा खत्म हो गई, अब उसकी चर्चा चल रही जो मूढ़ बुद्धि वाले हैं, जिन्होंने व्रत नहीं किया, तप नहीं कर सकता, कुछ नहीं किया, तब भी प्राप्त कैसे की, उनकी चर्चा चल रही। तुम क्यों लाते हो ध्यान योगी की बात? नहीं, उसे उत्कृष्ट हो गया, उसकी बात की कथा है। अरे उसके बाद है ना, हमने क्या बोला, तुम सुनते हो नहीं। हमने सातवें श्लोक में कहा दिया था, ये बात हो रही गोपियों की और यज्ञ पत्नियों की, उनके लिए कह रहे हैं। नाधित श्रुति इत्यादि, वो तो वेदादि पढ़े लिखे हैं, उनकी बात है, थोड़ी घटा रही बातों को। नाधित श्रुति गणा से हमने बता दिया था, ये उन औरतों की बात हो रही है जिन औरतों ने वेदादि पढ़े नहीं। ये सातवें श्लोक से हमने बदल चुका था विषय, ध्यान नहीं देते बातों पर तो इधर के उधर हो जाते हो सब। नो पासित महत्तम आयते त्याग है ना, वो तो सत्संग किए हैं, भगवान की कुछ सेवा किया, सब कुछ किया, उन लोगों की बात कहां हर रहे हैं। ये उन गोपियों की और यज्ञ पत्नियों का निमित्त बना करके अन्य समस्त की घटा दिया। अन्य जो भी मूढ़ बुद्धि वाला भी हो, अंत में क्या लिया, ये अन्य मूढ़ दियो नागा गोप्या गावो नगा मृगा। आठवें श्लोक में देखो, केवल ये नहीं भावे न करेगे, नहीं करे केवल भाव से उन्होंने पाया है सारे, जिसको अब योग आदि से प्राप्त नहीं कर सकते भाव के बिना। इसे जोड़ रहे हैं ना आप, इसे सत्संग की भाव का तात्पर्य, सत्संग का तात्पर्य यह नहीं है कि शास्त्रों को सुनना ही है, ये सब समझा रहे हैं यहां पर। भाव से भक्ति से समर्पित हो गया जो व्यक्ति ने, वो सब कुछ पा लिया। और उसके लिए चाहे तुमने योग किया हो नहीं किया हो, साधना किया है कि नहीं किया, तप किया कि नहीं किया, उसे कोई लेन देन नहीं। भाव किसी भी निमित्त से बन जाए, किसी भी प्रकार से बन जाए, जन्मजन्मा संस्कार से बन जाए, चाहे जैसे भी बन जाए, भाव बननी चाहिए। समर्पण भाव जब तक नहीं, गोपियों में क्या था, पत्र में क्या था समर्पण भाव के लिए, कुछ हो तो बताओ, कुछ भी नहीं है उनके पास, कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, वो जानते नहीं कृष्ण क्या है, कृष्ण भगवान ही भी नहीं जानते, कोई मतलब नहीं उनको। भाई प्यारा लगा, प्रेम हुआ, समर्पित हुए, बात खत्म हो गई। एक बार देखा जिसने, उसको चरणों में पड़ गया, समर्पित हो गए, बात खत्म हुआ। उन्हें पता नहीं कि कृष्ण भगवान है, ये अवतार है, ये क्या है, वो कहां जानते, नहीं कि पत्नियां जानते थे। भाई कृष्ण के बारे में सुनते रहे वो लोग, और आए हैं पास में, वो चारे रोटी सुन लिया तो भागे सब माल लेकर के। भाव है ना वहां पर, उन्हें उसे ये नहीं मालूम था भगवान है वो, तत्व ज्ञान कहां है। लेकिन उन्हें सुना है, अनेक लोग आए गए, लोगों से, ब्राह्मणों से, ऋषियों से, आने जाने वालों के क्षेत्र में उनकी बात सुनते थे, भगवान कृष्ण की महान कोई वस्तु है, उन्हें ऐसे राक्षसों को मारा, ये लीला किया, वो लीला किया, बड़ा सुंदर है, प्यारा है, और वो अपनी कल्पना करते सुंदर बालक है करके, उसी के भाव बने। रामेण सार्धम मथुराम प्रणीते श्वाफल के नाम मई अनुरक्त चित्ता विगाढ़ भाव नमे वियोग तीव्राधयो अन्यं ददृशु सुखाय। उन्हीं गोपियों की कथा कर रहे हैं। रामेण सार्धम मथुरा प्रणीत श्वाफल की ना, अक्रूर ने बलराम सहित मुझको जब मथुरा की ओर लेके चले गए, तब इन गोपियों का क्या हाल हुआ था। मई अनुरक्त चित्ताहा विगाढ़ भावे, विगाढ़ भाव के कारण से, मुझमें अनुरक्त चित्त वाले होने के कारण से, मैं वियोग तीव्र आदयोपी, मेरे वियोग से तीव्र आधी उनके मन में पीड़ा होने लगा, फिर भी सुखाया अन्यम न ददृशो, वो सुख पाने के लिए किसी अन्य की अपेक्षा उन्होंने नहीं किया। ये भाव, ये कौन सी ज्ञान की थी, कुछ नहीं,
इसलिए सत का संग क्या है यहां पर, सत माने आत्मा ब्रह्म स्वरूप का संग हो जाना। वो कृष्ण ही स्वरूप था, कृष्ण को अपने आत्मा मान लिया, स्वात्मा से अभिन्नत्व ने अनुभव किया, समर्पित हो गए, इसी कारण से अत सत का संग हो गया। कृष्ण का दर्शन होना ही सत्संग, वही सत्संग के कारण से दृढ़ा भक्ति हो गई, दृढ़ा भक्ति होने से उनको सब कुछ प्राप्त हुआ। और एक बार जब इस सत्संग हो जाए, एक क्षण के लिए भी यदि आत्म स्वरूप का झलक मिल जाए, वो आदमी फिर संसार की किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं करता, वो सब चीज फीका पड़ेगा उसके लिए, कोई भी चीज है वो फीका पड़ेगा। वही अलेक्जेंडर आया था तो महात्मा को पकड़ के पड़ा गया ना एक बार, आता है कथा उसकी, अरे आप मस्त कैसे रहते हो, क्या करते हो, नौकरी टाकरी नहीं करते, काम धंधा नहीं करते, फालतू बैठे बैठे खाते हो, लेकिन बताओ मस्त क्यों रहते हैं आप, फिर भी हम मस्त है। तब उन्होंने कहा हमारे पास जो ज्ञान है उसे मस्त है। क्या ज्ञान है, तो गीता को सुना है उन्होंने। तब उन्होंने कहा जीवन में यही मुख्य है, बाकी की जो पाया सब तो यही रह जाना है, अकल खुली उसकी। इसे जब शरीर छोटा, उसने पहले कहा एक हाथ में गीता एक हाथ खाली, इस तरह से शरीर छोड़ा, उसको गड़ा है तो उसमें एक हाथ, दोनों हाथ बाहर रखना और एक में गीता रख देना, एक बार खाली बताना दुनिया को मैं भी आया खाली जा रहा हूं, खाली हाथ, यदि पाया कुछ तो गीता पाया है और कुछ नहीं। तो ये चीज होती है ना, ये कब कैसे होगा, भाव से होता है। और उसने उसको पकड़ा, उन संतों की भावना बनी तो उसको शिक्षा पा लिया, ये सत्संग हुआ। सत्संग का मतलब ये नहीं होता है कि भाई शास्त्रों को पढ़ना ही है, उपनिषदों को पढ़ना ही है, जिसकी जैसे बन जाए अपने अपने कर्मानुसार सत्संग की प्राप्ति होती है। संतों से कि साक्षात उपदेश हो सकता है, अध्ययन से हो सकता है, है? भक्ति से हो सकता है, पूजा पाठ से हो सकती है, पूर्वजन संस्कार तो कुछ भी नहीं अचानक हो जाएगा, अनेक प्रक्रिया से हो सकता है। लेकिन उस प्रक्रिया से हुआ, उस वस्तु को स्थिर बना लिया आपने गोपियों के जैसे, तो सफल हो जाता है जीवन। इसे कहते तास्ता क्षपा पृष्ठतमेन नीता मय वृंदावन गोचरेण क्षणार्धवत्ता पुनरंगता साम ही नामया कल्प समापभूव। तास्ता क्षपा पृष्ठतमेन नीता, कहते हैं तास्ता उनको क्या किया, प्रेष्टतमेन नीता, उन दुखियों को अपना उनकी जो पति वगैरह थे उनको पकड़ पकड़ के ले गए, प्रेष्टतम जो हैं वो लोग उनको पकड़ के वापस ले गए। कृष्ण के रास्ते में खड़े हुए थे ना ये सब, फिर किसी समझा बुझा करके चला तो गया, तो भी आ नहीं रहे थे गांव में, तो हम नहीं जाएंगे तो क्या जाएंगे, हाँ कृष्ण तो है नहीं, वो तो उतर आ गया, जब तक नहीं आएगा हम यही बैठेंगे जंगल में, तब वहीं बैठ गए। तब उसको मना मनक लोग ले भी जाए, ले तो गए, लेकिन उनको उस वृंदावन में सारा काम धंधे कर भी रहे हैं, गृहस्थी का काम धंधा, यानी एक एक क्षण भी उनको एक एक कल्प के समान लगने लगा। कल्प समाप हो अंगा हीना मया हीना, मुझसे रहित तो वह वृंदावन में उनका जीवन जो है ना एक एक क्षण भी कल्प के समान हो गया। ताता क्षपा पृष्ठ तमिन नीता मये वृंदावन गोचरीन, मय वृंदावन गोचर गोचम मय वृंदावन का विषयभूत मेरे द्वारा त्याग कर चले जाने के बावजूद क्षणार्धवत, क्षणार्धवत का आधा क्षण भी, ये क्षण नहीं है आधा क्षण भी कल्प समान हो गया। अन्वय कर रहे दिखे नीचे, मया सह या एव क्षपा रात्रय क्षणार्धवत नीता, मेरे द्वारा ही साथ रह करके जो रात्रियां रात भर भी आज क्षण के बरबार बीतते थे, वे रात्रियां भी आज उनकी के क्षण भी कल्प के समान होया। महाराष्ट्र के क्षण क्षणार्धवत नीता ताएव पुनर्मया हीना तासाम कल्प समापो, कथम बुता ताता वाचा मगोचरा इत्यर्थ। क्योंकि जब किसी भी प्रकार का विषय नहीं बन पा रहे हैं ना, इसी वजह से तानाविंदन मई अनुषंग बद्ध ध्यस्वमात्तान मतस्तथेदम यथा समाधो मुनियोब्धितो ये नद्य प्रविष्टा इव नाम रूपे।
जैसा नदियां समुद्र प्रवेश कर जाने पर नाम और रूप सब कुछ विलय हो जाता है, उसी प्रकार से इन गोपियों को संसार कोई नाम रूप आता, तो संसार ही अनुभव में नहीं आता था। सब व्यवहार कर रहे लेकिन नाम रूप का व्यवहार बोध ही नहीं होता था। ऐसा विलक्षण स्थिति उन लोगों की हो गई। जो मुनि लोग अनेकों वर्ष बैठकर समाधि में स्थिति पाते हैं, उन्होंने अनायास ही पा लिया था। बताओ कौन से ज्ञान थी, कौन सा वेद शास्त्र का ज्ञान था? ता नाविंदन मई अनुषंग बुद्ध बद्ध दिया, मुझ में ही अनुशक्त और बद्ध बुद्धि वाले होने से नाविंदन उस जगत के नाम रूपत्व को नहीं जानते थे। स्वमात्मानम, अपने शरीर के बारे में उनको भान नहीं था, बाकी तो दूर की बात है। उन्हें ये भी भान नहीं, हम नहा रहे नहीं नहा रहे, खा रहे पी रहे नहीं पी रहे, ऐसा उनका बुद्धि परमात्मा में लीन हो चुका था कि उन्हें तो शरीर का तक का भान नहीं था। कहते मैं अनुषंगे न आसक्त्या बद्धा दियो या भी ता स्वमात्मन स्वदेहम अपि और अदह, मैंने ऊपर का लोक दूरस्तम इदम मैंने सन्निहितंच नाविदन यद्वा स्वं पति पुत्रादि ममतास्पदम अपि आत्मन में अहंगारास्पदम देहम अपि अधः परम लोकम इदम इमम लोकंच नाविदन, ऐसा अनुवेद कर देना। यथा मुने समाधो नाम रूपे नविदो तद्व, जैसा मुनि लोग समाधि में पहुंचने पर जो है नाम रूप को नहीं जानते, अथवा नदियां जो समुद्र में अवधित हुए समुद्र में प्रविष्ट होने पर अपने नाम रूप को त्याग देती है, उसी प्रकार से गोपियों की स्थिति रही है। मत काम रमणम जारम अस्वरूप विदो बलाहा ब्रह्म माम परम हम प्रापु संगा छत सहस्रशः एवं ता अबलाहा। आगे ना विशेषण समझ में आ गया ना, सातवें श्लोक से लेकर यहां तक सब केवल उन्हें अबलों की कथा हो रही है। छठे श्लोक का अंत में जो कहा गोप्यो यज्ञ पत्ने तथा परे, वहां से लेकर के छठे श्लोक का अंतिम पादक से लेकर के यहां तक सार गोपियों की यज्ञ पत्नी उन्हीं के सदृश अन्य जो मूड बुद्धि वाले शास्त्र ज्ञान रहित होने से उनको मूर्ति कहा जा रहा है, लेकिन उनके समान कोई दिया ही नहीं। सर्वोत्कृष्ट दी वाले हैं वो, लेकिन भगवान से मोहित थी होने से मूर्ति है। मूड क्या है? मोह से विशिष्ट थी का ना मूर्ति। किसके प्रति मोह से विशिष्ट थी है? भगवान के प्रति मोह से विशिष्ट से मूर्ति कहा जा रहा है, सामान्य अज्ञानी के जैसा नहीं। यहां मूर्ति का तात्पर्य भगवान के प्रति मोह से युक्त थी वाले, जितने उन सबको इकट्ठा ले लिया। हाँ? मूड का अर्थ अलग हो गया ना, मूड का अर्थ अलग बदल दिया ना। मूढ़ता का विषय क्या है? वहां भगवान है, जगत का वस्तु नहीं, ये अंतर है। उन सब के लिए अब यहाँ उपसंहार कर रहे हैं। मत काम रमणम चारम अस्वरूप विदो अबलाहा ब्रह्म माम परम हम प्रापु संगा छत सहस्रशः, एक दो नहीं सैकड़ों हजारों की संख्या में ये थी, सभी के सभी ने मुझे प्राप्त कर लिया। माम परमं ब्रह्म एव संगात प्राप सत्संगात प्राप हो, क्योंकि मत का बाहा मुझे मेरे प्रति उनके प्रति सारे काम थी भावना थी अस्वरूप विधा और मेरे स्वरूप को जानते नहीं थे। मत कामा रमणम जारम अस्वरूप विधा, अबलाह का विशेषण है, स्वर्वेत्ता नहीं थे, मेरे के विधि कामना करने वाले मत काम उनका विशेषण है। ऐसा जो मुझको माम रमणम जारम के साथ सब माम का विशेषण है, रमणम जारम माम परमम ब्रह्म एव प्राप हो सत्संगात जारम ब्रह्म जार बुद्धि वेद्यम अभी ब्रह्म स्वरूपम एव माम परमम प्राप हो इत्यर्थः, ऐसे को उन्होंने प्राप्त किया है।